नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अर्धहलासन योग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। अर्धहलासन के नियमित अभ्यास से आपके पेट और पीठ की समस्याओं में बहुत फायदा मिलता है। पेट के भीतर मौजूद अंदरूनी अंगों को स्वस्थ बनाने के लिए अर्धहलासन का अभ्यास बहुत फायदेमंद है। इसके नियमित अभ्यास से आपके शरीर की मांसपेशियों को भी फायदा मिलता है। तो ये विस्तार से जानते हैं अर्धहलासन के फायदे और इसके अभ्यास का सही तरीका। पेट और पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद। अर्धहलासन का रोजाना अभ्यास करने से आपके पेट को बहुत फायदा मिलता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए अर्धहलासन योग बहुत उपयोगी है। इसका अभ्यास करने से आपको कब्ज अपच की समस्या तथा भूख न लगने की समस्या में बहुत फायदा मिलता है। यह योगासन आपकी भूख को ठीक करने का काम करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए बेहतर। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रोजाना अर्धहलासन का अभ्यास बहुत उपयोगी होता है। नियमित रूप से अर्धहलासन योग का अभ्यास आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर शरीर को बाहरी बीमारियों और संक्रमण से बचाने का काम करता है। पीठ के लिए फायदेमंद। अर्धहलासन का रोजाना अभ्यास करने से पीठ की मांसपेशियां मजबूत और हेल्दी होती है। कमर दर्द की समस्या और पीठ से जुड़ी कई अन्य समस्याओं में अर्धहलासन का अभ्यास बहुत उपयोगी माना जाता है। अगर आप भी पीठ से जुड़ी समस्याओं के शिकार है तो रोजाना इस योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। शरीर का रक्त प्रवाह सुधारने में उपयोगी। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहना अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन असंतुलित होने पर कई गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। अर्धहलासन का रोजाना अभ्यास करने से आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने में मदद मिलती है। वजन कम करने में उपयोगी। आज के समय में असंतुलित खान पान और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण मोटापे की समस्या लोगों में तेजी से बढ़ रही है। मोटापे की समस्या से छुटकारा पाने और वजन कम करने के लिए अर्धहलासन का अभ्यास बहुत फायदेमंद है। अगर आप जल्दी से वजन कम करना चाहते हैं तो अच्छी डाइट के अलावा रोजाना अर्धहलासन का अभ्यास जरूर करें। अर्धहलासन का अभ्यास करने का तरीका। अर्धहलासन करने के लिए सबसे पहले योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को जांघों के पास रख दें। इसके बाद अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। इसके लिए आप पहले पैरों को 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री और आखिरी में 90 डिग्री पर उठाएं। इस दौरान आपका सिर, गर्दन और कमर जमीन पर ही रहेंगे। इस अवस्था में कुछ देर रुकने के बाद अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे ले आए। इस तरह एक चक्र पूरा हो जाता है। आप इस तरह से इसके 3 से 5 चक्र कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की और सेहत से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।